अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉज़ेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। गॉज़ेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिज़िकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एन एरिया, यानी कि एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन्स पास कर रही हैं। नंबर ऑफ लाइन्स ये किस कौन से नंबर ऑफ लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं वो नंबर ऑफ लाइन्स जो एक सर्टन एरिया एलिमेंट में से पास कर रही हूँ उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर यहाँ पे अब इन्होंने दो तरह के एरियाज दिए हैं, एक एरिया ए एक एरिया बी। अब अगर हम एरिया ए को देखें तो इसमें से फोर नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, इट मींस एरिया ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फोर। जबकि यहाँ पे एरिया बी के लिए इस एरिया में से दो नंबर ऑफ मतलब टू नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने के लिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए होती है और एक एरिया एलिमेंट चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया जो है ये भी वेक्टर एरिया है। इसका मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड भी होगा और एरिया की डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया हुआ है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस एरिया, मतलब इस एरिया का नॉर्मल क्या होगा जो इसका ये इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम क्या कब होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है उसको डिस्कस करने के लिए पहले ये इक्वेशन देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एक वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर एरिया है। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर है इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट में है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, फाइ ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। तो E डॉट A अब मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, E डॉट A को जब ओपन करें तो E डॉट A को ओपन करें तो वो आ जाता है E A cos थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos ज़ीरो होगा। cos ज़ीरो का मतलब, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, जब हम वेक्टर एलिमेंट, जब ये वेक्टर एलिमेंट यानी कि कोई भी एरिया वेक्टर एरिया जब इन नंबर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो इस एरिया की तो डायरेक्शन ये वाली है और नंबर ऑफ लाइंस ये जो रेड से एरोस शो किए हुए हैं ये नंबर ऑफ लाइंस को शो कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन ये वाली है। अब देखें, जब एरिया की ये वाली डायरेक्शन और नंबर ऑफ लाइंस की ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो कॉस क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इस एरिया वाली डायरेक्शन यानी कि इसका जो नॉर्मल है वो, और जो नंबर ऑफ लाइंस के एरोज हैं इनकी और इसकी आपस में क्या डायरेक्शन है, इनका एंगल क्या है, ज़ीरो। इस मींस कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो क्या होगा, वन। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब यही वेक्टर एलिमेंट इन नंबर ऑफ लाइंस के पैरेलल पड़ा होगा, जब ये पैरेलल पड़ा होगा इसका, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, इस एरिया का परपेंडिकुलर। अब इसका नॉर्मल जब ड्रॉ किया तो वो इस तरह से परपेंडिकुलर आया इस एरिया के, इस ग्रीन वाले एरिया के। तो अब देखें, इस ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं और ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज उस एरिया के बीच, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का, इसके बीच में और इन रेड नंबर ऑफ लाइंस के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। तो कॉस 90 क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब फाइव टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे 90 पुट करें तो कॉस 90 ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लें किस तरह से लिखना है, उसको लिखने के लिए मैंने नोट्स जो हैं प्रिपेयर किए हुए हैं,
ताकि थोड़ी हेल्प मिल सके। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, फिजिकली क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिस परपेंडिकुलरली थ्रू दैट एरिया। वो नंबर ऑफ लाइन्स जो इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास कर रही हों उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई ई से। ए और बी दो एरियाज़ की इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये मैंने बता दिया। फिर इसका फार्मूला और फिर इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पर इन्होंने यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए इसकी यूनिट कहाँ से आएगी, इसकी यूनिट इसके फार्मूले से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, ये दोनों क्या है, वेक्टर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें किस तरह से डॉट लेकर, तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। अब हमने इसकी जो यूनिट है वो ड्राइव करनी है। इसकी यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, ई क्या होता है, ई का हमें पता है फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू एफ़ ओवर क्यू। ये पीछे पड़ा है। एफ़ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू की क्या होती है, कूलम। तो ई इक्वल्स टू एफ़ ओवर क्यू से ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। देखें अब हमने यहाँ पे जब फ्लक्स लिया है तो उसमें ई भी है और एरिया भी है। ई की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वेयर। तो ये यहाँ से ये यूनिट ड्राइव होगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, ठीक है। यहाँ से ये यूनिट निकल आएगी। नेक्स्ट जी, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स मैंने बता दिया, मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, जब एरिया जो हो नंबर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर हो, और जब ये वाला एरिया इन नंबर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हो, और जब एरिया नंबर ऑफ लाइंस के पैरेलल पड़ा हो, तो फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक नंबर है 12.6, ठीक है। थ्रू अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस के थ्रू चार्ज, एक ऐसी सरफेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है जिसमें एक चार्ज क्या हो, एनक्लोज हो, प्लस क्यू चार्ज। देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने ये टोटल सरफेस बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ स्फीयर हो, और इसमें हम लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे पैचेस ले लिए हैं। इस ये सारी सरफेस अब हम सपोज कर रहे हैं कि इस तरह के छोटे छोटे नंबर ऑफ पैचेस पर मुश्तमिल है। अब हम लोगों ने इस एक पैच पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर तरफ से, देखें इस चार्ज से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी वो हर तरफ से सेम डिस्टेंस पे होंगी हर एरिया की। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है इस चार्ज से इस सरफेस एरिया के पैचेस पर हर पॉइंट पर सेम होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, ठीक है। और ये सारा सरफेस एरिया नंबर ऑफ वेक्टर एलिमेंट्स डेल ए पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, यानी कि सारी सरफेस को हम लोगों ने नंबर ऑफ एरियाज A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन AN पे डिवाइड कर दिया है इस तरह से कि एक जो पैच है वो फ्लैट पैच है। यानी कि अब ये देखें, ये तो सारा स्फीयर था लेकिन हमने एक फ्लैट पैच इस तरह से कंसिडर किया है कि वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। अब E का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पर क्या है, मैंने अभी बताया इस चार्ज से E जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम होगी, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, ये मैग्नीट्यूड सब पॉइंट सब पैचेस के लिए जो है वो सेम होगा, वो टोटल ई होगा। और ई का हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें एक क्यू आता है वो ई का फार्मूला, जिसमें दो चार्जेस आते हैं वो फोर्स का फार्मूला एफ़ का होता है। कूलम्स लॉ से हमने एफ भी ड्राइव की थी। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी पढ़ा है हम लोगों ने, ई डॉट डेल ए, ठीक है। अब हम लोग अगर A1 एरिया के लिए निकाल लें तो यहाँ पे E1 और डॉट डेल A1 आएगा। ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के ऊपर एरोज हमेशा डाल लें। इन्हें ओपन करेंगे तो ई डेल A1 कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ से यू नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो ये फ्लैट एरिया उन नंबर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से यू नंबर ऑफ लाइंस हैं तो ये एरिया परपेंडिकुलर है। यहाँ से यू नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं बाहर की तरफ इस चार्ज से, तो ये एरिया
परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ई और ए के दरम्यान में एंगल क्या है, ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। ये थीटा क्या है यहाँ पर, ज़ीरो, सो ई डेल ए कॉस ज़ीरो जब होगा तो क्या आ जाएगा, ई डेल ए वन, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ई डेल ए वन। इसी तरीके से डेल ए टू के लिए क्या होगा, ई टू डेल ए टू एंड अप टू सो वन, एन तक के लिए क्या होगा, डेल ए एन, डेल ए एन तक के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई एन डेल ए एन, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या कहा था कि जो इंटेंसिटी ई वन ई टू ई थ्री ये सब क्या है, सब सेम है, इसको हम मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो सेम है, तो ई इस सब में से कॉमन ले लिया, बाकी ये सारा एरिया आ गया। अब इस सारे एरिया को जब हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमने सरफेस ली थी, ये वाली सरफेस क्या थी, एक स्फीयर की सरफेस थी, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हम लोगों ने अब ये सारे एरिया को टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कह दिया, और एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr² को इस टोटल सरफेस एरिया की जगह पुट करेंगे, साथ में क्या आ जाएगा, ई, यानी कि ये 4πr² आ गया, और ये ई का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था, ये वाला फॉर्मूला। सो अब यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं, देखें ये वाला 4π इस वाले 4π के साथ कैंसिल आउट, ये r² इसके साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बच गया, q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो इस इक्वेशन से क्या जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, कि उस जिस जहाँ पे भी, जिस सरफेस पे भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक कर रहे हैं उस सरफेस की शेप कैसी है, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, उस सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उस पे डिपेंड करता है, और वो किस मीडियम में पड़ी हुई है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसका मतलब अगर अब हम लोगों ने कोई भी ऐसी इरेगुलर सी शेप हो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो उसकी शेप पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। गॉज़ीज़ लॉ क्या कहता है, ये अब हमारा बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, 12.7 गॉज़ीज़ लॉ, ठीक है। गॉज़ीज़ लॉ मैं यहाँ से इसलिए नहीं करा रही क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल से है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको उसी तरीके से स्टेटमेंट जैसे जैसे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसी तरीके से ही पढ़ा देती हूँ। गॉज़ीज़ लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से ये जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है ये बेसिकली गॉज़ीज़ लॉ की ही इक्वेशन है। गॉज़ीज़ लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि φe, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज जितना भी किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जितना भी उसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज होगा यानी कि बंद होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट है। अब देखें हम यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर करते हैं, इस तरह की सरफेस किसी भी शेप की जिसके अंदर इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 अप टू Qn तक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे उसकी किसी भी तरह की क्लोज सरफेस हो उसकी शेप पे वो डिपेंड नहीं करता। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम Q1 के लिए निकालेंगे, Q1 के लिए φ1 निकालें तो वो होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसी तरीके से φ2 होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और Qn के लिए क्या हो जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। और फिर जब हम सारे टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे इस पूरी सरफेस में से, इस पूरी सरफेस में से टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, सारे फ्लक्सेस को सम अप कर देंगे, तो यहाँ पे देखें ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये सारे चार्जेस, और ये सारे चार्जेस टोटल चार्ज कैपिटल क्यू के इक्वल है। तो यही हमारे गॉज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल थ्रू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। नेक्स्ट गॉसियन सरफेस क्या होती है, हमने गॉसिज लॉ
को अप्लाई करते हुए बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करनी होती है। देखें फाई ई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये एक स्केलर है, हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोगों ने सब केसेस के लिए एक इमेजिनरी सरफेस लेनी होती है, जिसमें से हम लोगों ने इमेजिनरी सरफेस से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू। तो उस इमेजिनरी सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक ऐसे स्फीयर में जो अंदर से क्या हो।